हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कुक बुक। मैं हूं आभा और आज मैं आपको बताने जा रही हूं मकई का एक बहुत ही स्पेशल ब्रेकफास्ट, जिसे कि हम भुट्टा भी कहते हैं या फिर कॉर्न भी कह सकते हैं। तो आज मैं आपको ये बहुत ही सिंपल सी रेसिपी बताने जा रही हूं, जो कि बहुत ही खाने में टेस्टी है। लेकिन इससे पहले, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे कर लें। आइए देखते हैं ये कैसे बनता है। इसके लिए मैंने इस तरीके की फ्रेश भुट्टे लिए हुए हैं, जिसे कि मकई भी आप लोग हो सकता है बोलते हो। आप देख लीजिएगा इसे आपकी साइड में क्या कहते हैं। इस तरीके से इसके छिलके निकाल के इसे हम, इसके दाने मैंने ये निकाल के रख लिए हैं। ये मैंने लगभग 4 से 5 भुट्टे के दाने ये निकाल के मैंने रखे हुए हैं। अब हम इसे एक कुकर में ट्रांसफ़र करते हैं। इसको हम कुकर में सारा डाल देंगे और इसके बाद मैंने इसमें 1 कप पानी डाला है, यानी कि 100 से 150 ml पानी डाला है। पानी हमें इतना ही डालना है कि जिससे ये अच्छे से उबल जाए और इसके कुकर के तले में ना चिपके, ये जले नहीं। इससे ज़्यादा पानी हमें नहीं डालना है। अब साथ में थोड़ा सा मैं स्वाद के अनुसार नमक डाल देती हूँ। नमक डालकर कुकर को हम बंद कर इसे गैस पर चढ़ा देंगे और इसे लगभग 4 सीटी आने तक इसे पकने देंगे। 1 सीटी तक हम गैस की फ्लेम को फुल रखेंगे। उसके बाद गैस की फ्लेम को स्लो करके हमें 3 विसल तक इसे और पकाना है। चार विसल आने के बाद हम गैस को बंद कर देंगे और जब ये ठंडा हो जाएगा तो ये हम चेक कर लेते हैं कि हमारे ये भुट्टे पके हैं कि नहीं पके हैं। ये देखिए, इसे मैं एक हाथ से दबाकर देख लेती हूँ। ये जब दब जाएगा, ये देखिए, ये ज़रा सा हमारा ये दब गया है। ये हमारा अब अच्छे से ये पक गया है। अब मैं इसे साइड रख देती हूँ और इसे बनाने के लिए तैयारी करती हूँ। मैंने गैस पर ये कढ़ाई रख दी और इसमें 3 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल डाला और जब ये मस्टर्ड ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम इसमें 1 टेबल स्पून चॉप्ड गार्लिक मैंने डाल दिया है और साथ ही में मैंने 4 हरी मिर्च, वो भी बारीक कटी हुई, वो भी इसमें डाल देंगे। अब ये लहसुन और मिर्च को हम स्टर करते हैं, थोड़ा सा आधे मिनट के लिए हम भून लेंगे और उसके बाद हम इसमें प्याज डालते हैं। प्याज मैंने 3 मीडियम साइज़ की प्याज ली हुई है, इसे हमने बारीक बारीक कट कर लिया है और इसे हम डालकर भूनते हैं। प्याज भूनने के लिए मैंने गैस की फ्लेम को फुल ही रखा है और इसे हम तब तक भूनेंगे जब तक कि हमारी प्याज ये हल्की सी पिंक कलर की ना हो जाए। प्याज को मैंने गैस की फ्लेम को फुल करके ही भूना है। यह मेरी प्याज का कलर अब थोड़ा थोड़ा चेंज हो गया है। अब हम इसमें क्या करेंगे, 1 टीस्पून हल्दी डाल देंगे और हल्दी डालकर भी हम इसे पका लेते हैं ताकि हमारी हल्दी कच्ची ना रह जाए। गैस की फ्लेम को इस समय हम थोड़ा सा स्लो कर देंगे और इस हल्दी को प्याज के साथ ही पका लेते हैं थोड़ी देर के लिए। 1 मिनट ही लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं। थोड़ा सा इसे भून लेंगे और अब हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे। नमक डालते समय हमें ये ध्यान रखना है कि हमने भुट्टे में ऑलरेडी नमक डाला था, ये जितना प्याज है उस हिसाब से हम नमक डालेंगे, उससे ज़्यादा हम नहीं डालेंगे। नमक डालकर भी हम इसको स्टर करते हैं और अब हम इसमें थोड़ा सा गरम मसाला, ये 1/2 टीस्पून गरम मसाला है, ये ऑप्शनल है। अगर आपको बहुत स्पाइसी खाने का मन हो तो आप डालिएगा, अदरवाइज़ आप इसको स्किप कर सकते हैं। ये बिना गरम मसाला डाले भी ये वैसे ही लहसुन मिर्च से ही बहुत टेस्टी लगता है। अब लास्ट में हम अपना ये उबला हुआ भुट्टा, भुट्टे के दाने जो मैंने उबाले हैं वो डाल देते हैं। कुकर में जो हल्का सा पानी नीचे बचा हुआ है वो भी मैं इसमें डाल देती हूँ। वो डालकर मैं कढ़ाई में एक साथ सब कुछ पका लूँगी और पानी सुखा लूँगी। ये भुट्टे डालकर मैंने इसको स्टर कर लिया अच्छे से। अब हम क्या करेंगे कि कढ़ाई को एक ढक्कन से या लिड से ढक देंगे और गैस की फ्लेम को स्लो करके इसको 5 मिनट तक ऐसे ही पकने देंगे। और 5 मिनट बाद हम इसे खोलते हैं। ये हमारा अच्छे से ये
भुट्टा रेडी हो गया है। ये एक तरीके से जैसे मटर की घुघरी बनती है उस तरीके से हम लोगों ने ये भुट्टे की घुघरी बनाई हुई है, इसे हम लोग भुट्टे की घुघरी बोलते हैं। इसे हम खोल कर भी एक दो मिनट के लिए पका लेते हैं। ये बिल्कुल सोंधा सोंधा पक गया है। लास्ट में हम हरी धनिया डाल देंगे और गैस को बंद कर देंगे। ये हमारी भुट्टे की घुघरी बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको एक प्लेट में सर्व कर लेते हैं। ये आप कभी भी ब्रेकफास्ट में या शाम को स्नैक्स के टाइम पे आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। शाम को भी ये चाय के साथ बहुत अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।